आप देख रहे हैं मूल्यांकन, 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 आप देख रहे हैं मूल्यांकन। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन शिवम शर्मा के साथ। मूल्यांकन की इस पहली कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं हमीरपुर जिला के हमीरपुर शहर के गांधी चौक पर, जहां हम लोगों से बातचीत के दौरान जानेंगे कि हमीरपुर शहर में रहना कितना आसान है और यहां पर जीना कितना मुश्किल। इसके साथ ही हम जानेंगे कि हमीरपुर शहर के लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसी कैसी परेशानियों से जूझते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ का प्रशासन और यहाँ के नेता लोगों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, और जनता के इस फैसले के आधार पर करेंगे हम हमीरपुर शहर का मूल्यांकन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमीरपुर शहर के लोग जुड़ चुके हैं, जो कि हमें हमीरपुर शहर के बारे में बहुत सी चीज़ें बताना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमीरपुर जिला प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन सबसे छोटा ज़िला होने के बावजूद सबसे साक्षर ज़िला भी हमीरपुर ही माना जाता है। यानी कि हमीरपुर ज़िला में प्रदेश के बाकी ज़िलों के मुकाबले अधिक संख्या में पढ़े लिखे और शिक्षित लोग रहते हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि हमीरपुर शहर के लोगों में अपनी समस्याओं को समझने, परखने, उनसे लड़ने और उन्हें प्रशासन के सामने रखने की सूझबूझ बिल्कुल होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं हमीरपुर की प्यारी प्यारी और बेबाक जनता से। नमस्कार, आपका नाम? सुरेंद्र कटोच। अच्छा, आप हमीरपुर शहर में रहते हैं? बिल्कुल, शहर में पूरा दिन शहर में ही होते हैं हम। तो आप फिर हमीरपुर शहर में पूरा दिन रहते हैं, तो आपको यहाँ पे अनेक समस्याएं और अनेक परेशानियां दिखाई देती होंगी। समस्याएं भी हैं और अव्यवस्थाएं भी हैं, आप उन्हें जरा हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ा है, आप ये हमीरपुर शहर के NH पर चलेंगे तो जो पैदल चलने के लिए जगह बनाई है प्रशासन ने, वो पैदल चलने के लिए सारी दुकानदारों ने आगे वहाँ पर अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने कभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी बात ये है कि बस स्टैंड है ना, एक अपना बस स्टैंड जो है, वहाँ से आगे जो बस स्टॉप बनाए हुए हैं इन्होंने, बस स्टॉप पर एक 100 मीटर करके नदौन साइड को भी और सुजानपुर साइड को भी इन्होंने इतनी दूर कर दिया है कि आम महिलाएं बच्चों के साथ या बुजुर्ग सामान के साथ एक किलोमीटर जाना पड़ रहा है उनको। उनके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन ने ऐसी नहीं बनाई है कि वो शहर के साथ कहीं आराम से बैठ सकें। बारिश होगी तब भी वो लोग पैदल ही इतनी दूर बस लेने जाते हैं। तो ये इस समस्या को समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं प्रशासन समझ नहीं पाता या प्रशासन को इस चीज़ का एहसास नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो बीच बाज़ार में इन्होंने वन वे करते हैं, और ऐसे समय में वन वे करते हैं जब सारे शहर के लोग शहर में आकर सब्जी वगैरह खरीदने आते हैं, तब वन वे खोल देते हैं ये, और उसमें गाड़ियों का फ्लो इतना होता है कि लोग एक दूसरे के साथ टच होते हैं, है ना, मतलब परेशानी होती है उनको आने जाने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि इसको तो शाम को 8 बजे तक बंद कर देना चाहिए, गाड़ियों से कोई गाड़ी अंदर नहीं जाना चाहिए, लोग अपना सामान ताकि आराम से खरीद सकें। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो बस स्टॉप इन्होंने आगे कर रखे हैं, और बस स्टॉप के भी आज दिन तक पुलिस प्रशासन इनके निजी बस वालों के खासतौर पर चालान करता है, लेकिन अभी तक नहीं सुधरे हैं कि बस स्टैंड से लेकर अपने बस स्टॉप तक 2 किलोमीटर में ये 10 मिनट लगाते हैं, 15 मिनट लगाते हैं, उससे भी शहर में जाम लगता है, पर वो चालान तक सीमित रहती पुलिस, फिर एक बार चालान करती फिर बंद हो जाती, फिर एक साल फिर नहीं कुछ करती है। तो ये अव्यवस्थाएँ भी हैं और समस्याएँ भी हैं जिनके ऊपर प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जैसे पार्किंग के लिए लोगों ने यहीं पर वाहन लगाए हुए हैं, तो जैसे पार्किंग की समस्या भी यहाँ हमीरपुर शहर में बरकरार रहती है क्या? मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि पार्किंग की व्यवस्था अब सरकार प्रशासन की तरफ से जो पार्किंग दी गई है वो ओवरक्राउडेड है ना, निजी पार्किंग भी यहाँ पर लोगों की है, लेकिन अब लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं या अपनी फैसिलिटी के लिए ऐसा करते हैं कि ला के बाज़ार में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पुलिस आती है चलान करती है, बस इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। जो है तो ये लाजमी लगता है कि जैसे यहाँ पर 2 मिनट का काम होता है और पार्किंग के लिए उन्हीं को 40 रुपये की फ़ीस अदा भी करनी पड़ती है? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है कि 40 रुपये फ़ीस अदा करनी पड़ती है। प्रशासन को कोई एक ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसमें अगर व्यक्ति आए घंटे के लिए आधे घंटे के लिए आता है तो उसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए पार्किंग की। अब रिलैक्स एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि रिलैक्सेशन नहीं होती तो लोग ज़्यादा पैसे देने के डर से इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। आपका प्रशासन के लिए कोई सुझाव रहेगा यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखते हुए, और यहाँ के नेताओं से कोई मांग रहेगी लोगों के हित में? नेताओं से तो हम कोई खास मांग नहीं कर सकते हैं, प्रशासन से ही हम डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो आगे प्रशासन ने करना होता है कि ये जो अव्यवस्थाएँ और समस्याएँ हैं लोगों की, इनके ऊपर प्रशासन खुद एक बार फील्ड में उतरे और इनको देखे, एहसास करे और उनका निवारण करे।
जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ और भी दर्शक मौजूद हैं जिनसे अभी हम बात करेंगे और हमीरपुर शहर की समस्याओं के बारे में जानेंगे। आपका नाम जी? रजनीश शर्मा जी। आप भी हमीरपुर शहर में ही रहते हैं? प्रताप नगर का निवासी हूँ मैं। जी जी। अच्छा, आप हमीरपुर शहर के बारे में हमें कुछ बताएं, जब आप यहाँ पर रहते हैं आपकी समस्याएं, आपके वार्ड में कोई समस्या या फिर प्रशासन से जुड़ी कोई समस्या या फिर नेताओं से आपकी कोई अनबन, इस तरीके से आप कुछ बताना चाहेंगे? हमीरपुर नगर का जैसे जैसे विस्तार हुआ है यहाँ की समस्याएं भी बढ़ती गई हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक को लेकर है। ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ी है आम लोगों में दिक्कतें भी बढ़ी हैं। पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया है और रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहा है। जो पैदल चलने के लिए पाथ बनाए गए हैं वहाँ भी अतिक्रमण है। लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है, अपनी बाइकें स्कूटियाँ वहाँ खड़ी कर देते हैं। लोगों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ रहा है। प्रशासन जो है वो अपने अपने कार्यालयों में सोया हुआ है, कभी वह फील्ड में निकलकर उन्होंने समस्या को नहीं देखा। अच्छा, आपने बताया कि यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, अतिक्रमण आपने एक वजह बताई, इस साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की सड़कों की हालत कैसी है? हाँ, यहाँ की सड़कें जो हैं दयनीय स्थिति है। आप किसी भी चौक पर चल जाएँ वहाँ पर बजरी जो है उखड़ी हुई है और वहाँ से दोपहिया वाहन जो है लगातार फिसलते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई और समस्या यहाँ पे हमीरपुर शहर में दिखती हो, जैसे यहाँ पर सफाई व्यवस्था में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की एक स्कीम शुरू की गई है। कुछ हद तक कामयाब है लेकिन अधिकतर लोग अभी भी 60 रुपये देना जो है मुनासिब नहीं समझते और लिफाफे हाथ में लेकर जहाँ उन्हें उचित लगता है वहाँ वो फेंक देते हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, आपकी तरफ से कोई सुझाव या कोई रहेगा प्रशासन के लिए जो कि वो यहाँ पर सुधार कर सकें लोगों की सहूलियत के लिए? मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो एक बार दिन में ज़रूर फील्ड में निकलें और लोगों से मिलें और जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें सुनें और देखें, मौके पर जाएं ताकि अपनी नज़रों से वो देख सकें कि शहर की वास्तविक स्थिति क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमीरपुर संसद क्षेत्र से अनुराग ठाकुर जी यहाँ के सांसद भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सांसद होने के नाते उन्होंने यहाँ पर उतने काम किए हैं या लोगों की इन समस्याओं के बारे में जाना है उन्होंने? हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है एक सांसद सदस्य जो है उसकी ज्यूरिडिक्शन में ये चीज़ें नहीं आती है। एक इसके लिए एक नगर परिषद जो है वो जिम्मेदार हैं और साथ में जो स्थानीय प्रशासन है। मेरा अनुराग ठाकुर जी से भी ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि वो प्रशासन को और नगर परिषद को इसके बारे में सख्त हिदायत दें। जी जी जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमीरपुर शहर के बारे में बताने के लिए। कुछ और हमीरपुर वासियों से जानते हैं कि हमीरपुर शहर में उन्हें किस किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है। आपका नाम? रविंद्र ठाकुर। आप हमीरपुर शहर में रहते हैं? जी। अच्छा, आप हमीरपुर शहर के बारे में बताएं कि जब आप यहाँ पर घूमते हैं या फिर यहाँ के मेन मार्केट से होकर गुजरते हैं तो आपको किस किस तरह की समस्याएं देखते हैं और प्रशासन उन समस्याओं के ऊपर कुछ हल करता भी है या नहीं? यहाँ की शहर की जो प्रमुख समस्या है वो रेहड़ियों को लेकर है। हर साल जो यहाँ रेहड़ियाँ निरंतर बढ़ती जा रही है, एक बाढ़ सी आ गई है, ऐसा लगता है कि हमीरपुर नहीं है, रेहड़ीपुर बन गया है। और यहाँ पर नगर परिषद जो है ढिलमुल रवैया अपनाती है, कभी वो PWD को दोष देती है, कभी प्रशासन को देती है, लेकिन जो उनको प्रयास करने जो अभी तक हो नहीं पाए हैं। अस्थाई और अस्थाई तौर पे काफ़ी रेहड़ियाँ लगी, उनको हटाना चाहिए। और जो हमीरपुर के मुख्य जो दुकानदार हैं उन्होंने भी अतिक्रमण किया हुआ है, उनके खिलाफ़ वो ठोस कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। शहर में जहाँ अस्थाई रेहड़ियाँ लगी हैं, गैरकानूनी लगी हैं, वहाँ पर उनको बेंचेज लगाने चाहिए, जैसे गांधी चौक पर लगे हैं, यहाँ बैठने के लिए लोगों को सुविधा होती है, तो वहाँ जगह जगह उनको बेंच लगाना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा हो। जैसे कि आज मैं यहाँ पर घूम रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पर कूड़ादान मुझे एक भी नहीं दिखा, ये कोई नगर परिषद की कोई व्यवस्था है या फिर लोगों के लिए फैलाई गई अव्यवस्था, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नगर परिषद को जो है वो जगह चिन्हित करनी चाहिए इसके लिए, जहाँ कूड़ेदान हो और सफाई व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, आपकी तरफ से प्रशासन के लिए कोई सुझाव या कोई लोगों की तरफ से कोई डिमांड कि इसको वो सुधार सकें? मेन तो समस्या वो आ रही है जो चौक बदल दिए हैं, जैसे नदौन चौक है, वहाँ लोगों ने आगे जाना है अपने गंतव्य तक, ग्रामीण क्षेत्रों में बसें लेनी है, या आपका सुजानपुर टौणी देवी वाला रूट है तो यहाँ पर इन्होंने बस स्टॉप बदल दिए हैं, ना वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई वहाँ लाइट की व्यवस्था है। रात को महिलाएँ और जो लड़कियाँ हैं वो वहाँ पर बस का इंतजार करती हैं, तो पहले इनको स्थान बदलने से पहले वहाँ सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग आसानी से बैठ सकें और अपने बस ले सकें। तो आप कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी मूलभूत सुविधाएं भी उस तरीके से नहीं दी जा रही हैं लोगों को जिस तरीके से मिलनी चाहिए? जी 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 जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दैनिक जागरण के ब्यूरो
उनसे हम जानेंगे कि हमीरपुर शहर में लोगों को किस किस तरह की समस्या देखनी पड़ती है और ये भी जानेंगे कि प्रशासन लोगों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई हमीरपुर शहर के बारे में बता पाएगा। तो आइए हम बात करते हैं दैनिक जागरण के ब्यूरो जी से। सर आपका नाम बताएं हमें। मैं रणबीर ठाकुर हूँ जी। सर आप हमें हमीरपुर शहर की समस्याओं के बारे में बताएं कि किस तरह की समस्याओं से यहाँ के लोग जूझते हैं। मैं हमीरपुर लोगों की समस्याओं को लेकर अवगत करवाना चाहता हूँ। आजकल जो प्रमुख समस्याएं होती हैं वो सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जी। लोग चाहते हैं कि सड़क पर जो है वो सड़क जो है वो बेहतर हो, अच्छी सड़क हो ताकि गाड़ियों को चलाने में कोई दिक्कत ना हो, वाहन चालकों को और लोगों को चलने के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। शिक्षा का, शिक्षा के लिए जो है लोगों का काफ़ी प्रयास रहता है कि शिक्षा में अच्छी शिक्षा मिलो, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। और स्वास्थ्य में क्या है कि आज समाज में रहने वाला जो व्यक्ति है, गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं अगर हॉस्पिटल में जाता हूँ, अस्पताल में जाता हूँ तो मुझे आसानी से जो है वो डॉक्टर जो है वो स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे। तो आपने यहाँ मेरे से पूछा, बहुत अच्छा लगा। प्रशासन इस पर क्या इनिशिएटिव लेता है? प्रशासन ने जो लोगों को दिक्कत आती है, जैसे हम शहर के बीचों बीच की बात करते हैं, शहर जो हमारा है हमीरपुर शहर है, इसमें जो है वो लोगों को पैदल चलने के लिए दिक्कत आती है। गाड़ियाँ आप देखते रहते हैं अमूमन कि जो बीचों बीच शहर का जो हमारे हॉस्पिटल तक जो रास्ता है उसमें प्रशासन ने एक इनिशिएटिव लिया है जो मेरे ध्यान में है, लोगों की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए कि गाड़ियां जो हैं किस तरह से जो है वो क्रॉस की जाए, किस तरह से किस समय पर, समय सारणी क्या हो इसकी, इसको लेके एक मास्टर प्लान तैयार भी कर रहे हैं। मैं प्रशासन को बधाई देता हूं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। और भी कई चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और भी कई चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अभी अमूमन आपने देखा होगा कि सरकार ने जो है वो अपना बच्चों के लिए, स्कूलों में बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा पे जोर दिया है। अभी बच्चों की परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में जो है नकल है उसको रोकने के लिए जो भी है वो रोकथाम होनी चाहिए, ये सबका प्रयास रहता है ताकि बच्चे जो हैं वो अपने दिमाग से जो है वो अच्छी तरह जो है वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। दूसरा हमने इनिशिएटिव कहा, हमने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज तो बन गया है, लेकिन वहाँ पर जो दिक्कतें हैं, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी होगी तो जो हमारे समाज से, गांव से रहने वाले जो लोग हैं जो यहाँ अपना उपचार करवाने के लिए आते हैं, अगर डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलेगा या दूसरी सुविधाएं उनको नहीं मिलेगी, एक्सरे मशीन ठीक नहीं होगी या अल्ट्रासाउंड नहीं होगा या और भी कई चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, अगर वो समय पर हों तो लोगों को अच्छा लगता है। दूसरा, सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है लोगों के लिए, आयुष्मान भारत अच्छी जो है वो योजना है, उसके तहत लोगों को लाभ मिलना चाहिए। भले ही देरी से शुरू हुई है लेकिन एक अच्छा इसमें प्रयास हुआ है। गांव में बिजली होनी चाहिए, लोगों को बिजली की सुविधा, 24 घंटे बिजली चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा हो रही है तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो बिजली हिमाचल प्रदेश के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है वो थोड़ा सस्ती मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट से बिजली जो है वो दूसरे राज्यों में दी जा रही है, दूसरे राज्यों में जा रही है, तो यहाँ हिमाचल में जो बिजली पैदा होती है तो हिमाचलियों को जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए। ये बिजली के क्षेत्र में हमने बात कही आपको। बाकी जो मेरे ध्यान में है ये प्रमुखता से तीन चीज़ें जो हैं वो लोगों को बड़ी भारी जो है वो रहती है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए तो लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि हमें हमीरपुर शहर में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके मूलभूत सुविधाओं में भी बहुत सी कमियां हैं, जिसके लिए प्रशासन उन्हें सुधारने का भी काम कर रही है, लेकिन अभी वो उतनी कारगर तरीके से सिद्ध नहीं है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं कि उन्हें हमीरपुर शहर में किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, आपका नाम? हेमराज शर्मा। हेमराज जी, आप हमें बताएंगे कि जब आप हमीरपुर शहर में चलते हैं या फिर यहाँ से आप गुजरते हैं तो आपको यहाँ पर किन किन तरह की समस्याओं को देखते हैं और महसूस करते हैं? इनमें तो ज़्यादातर ये है, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। और ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा पार्किंग की समस्या है, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कोई सुविधा नहीं है जी।
हाँ, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं उसके अनुसार यहाँ पर पार्किंग की ज़्यादा समस्या है और रोड की भी साथ में ये क्वालिटी जो है बिल्कुल पोर चल रही है, उससे जो है रोड जो है उनकी समस्या ट्रैफिक की, उसकी वजह से भी कई खड्डे खड्डे पड़े हुए हैं सारे शहर में। अगर आप देखें कि यहाँ पर प्रशासन क्या काम कर रहा है, मतलब प्रशासन लोगों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन सड़क या फिर पार्किंग की हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए? जैसे मोदी सरकार जो दिशा निर्देश जारी कर रही है उसके अनुसार काफ़ी काम यहाँ फील्ड में काम हो रहा है। प्रशासन उस तरह जैसे इनिशिएटिव वहाँ से रहने स्वच्छता अभियान है उसमें बिल्कुल फील्ड पर कोई नहीं काम हो रहा है, जैसे कि कागजों में बहुत अच्छा है उसका इनिशिएटिव यहाँ प्रशासन की तरफ से नज़र नहीं आता है। और जो ज़्यादातर जो सरकारी एम्प्लॉयज है वो ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे, उसकी वजह से ये प्रोग्राम सफल नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी इंच के साथ है प्रशासन लोगों के साथ घुल मिल करके इस समस्या का समाधान निकाले तभी हो सकती है, क्योंकि नहीं तो यहाँ तो समस्या ज्यों की त्यों ही है, जैसे कि कोई स्वच्छता का नाम नज़र नहीं आता फील्ड में। जैसा कि अभी हमने जाना कि जैसे कि भारत के बारे में कहावत है कि भारत जो है एक कागजी देश है, जहाँ पर सारी की सारी योजनाएं कागजों पर तो बनती हैं लेकिन धरातल पर कोई भी योजना दिखाई नहीं देती। जैसा कि अभी हेमराज जी ने बताया कि प्रशासन और सरकार की तरफ से योजनाएं तो बनाई जा रही हैं जैसे कि हमारा ज़िला, हमारा शहर, हमारा गाँव स्वच्छ और साफ़ हो, लेकिन वो योजनाएँ केवल और केवल कागजों तक सीमित हैं और धरातल पर इनका कोई भी वजूद नहीं है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। आपका नाम बताएं जी। मेरा नाम विकास शर्मा जी। विकास शर्मा जी, आप बताएं जब आप हमीरपुर शहर में घूमते हैं या फिर यहाँ पर रहते हैं तो आपको किस किस तरह की परेशानी दिखाई देती है, महसूस होती है, और प्रशासन उन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं जो हर नागरिक का अपना अधिकार होता है, स्वास्थ्य, पानी की समस्याएं, और यहाँ पे जैसे कि अभी देखा गया है कि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था ख़राब है। ये चीज़ें जो हैं वो सुचारू ढंग से होनी चाहिए। तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या है स्वच्छता की, जो कि मैं एक नमो ऐप से भी जुड़ा हूँ तो मैंने वहाँ पे भी एक सुझाव दिया था। हमारे यहाँ पे अगर हर महीने के दूसरे शनिवार को यहाँ पे अगर सब दुकानदार और सभी प्रशासन जो इन यहाँ के कार्यालय हैं वहाँ के लोग अगर जुड़ेंगे और शनिवार को एक दो घंटे लगा के अपने शहर और अपने एरिया की सफाई करेंगे तो हमारा शहर अच्छे ढंग से साफ सुथरा हो सकता है। मैं जैसे कि विदेश में रहा तो इस तरह की एक व्यवस्था वहाँ पे होती थी। हमारे हर दूसरे शनिवार को वहाँ पे म्यूनसिपल्टी के लोग आते थे और वहाँ पे जितने भी दुकानदार थे और वहाँ पे जितने भी कार्यालय थे वो सभी लोग वहाँ पे 11 बजे तक स्वच्छता का काम करते थे और शहर बहुत ही साफ़ सुथरा रहता था। तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत अच्छी पहल होगी जिससे कि हमारे यहाँ की बीमारियाँ आदि भी दूर हो सकती हैं। तो एक तो एक सुझाव ये है, दूसरा मेरा एक सुझाव ये है कि यहाँ पे प्रशासन को चाहिए कि ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू ढंग से सुधार करें। वैसे तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रही है पर फिर भी यहाँ पे जो हमारे पार्किंग की व्यवस्था है वो बहुत ही कम है। पार्किंग की व्यवस्था अगर थोड़ी सी और बढ़ाई जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक और चलने फिरने का भी अच्छे सही ढंग से लोगों को यहाँ पे सुविधा हो सकती है। दूसरा, अभी हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज बन चुका है लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहाँ पे मैं एक दो बार खुद हमीरपुर के हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे दवाई आदि जो है वो जब भी मैं गया तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। तो वो जो भी डॉक्टर हैं वो जो दवाई लिखते हैं वो बाहर लोग जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी दे रही है तो उसको पूरे ढंग से नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए वो। तो ये मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, सरकार तक ये बात पहुँचे कि इन चीज़ों को सही दुरुस्त सही ढंग से करे ताकि नागरिकों तक ये बात अच्छे सही ढंग से पहुँच पाए। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों से प्रशासन का मेलजोल जरा भी नहीं है। यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि हर शनिवार को एक बैठक होनी चाहिए जिसमें स्थानीय दुकानदार, स्थानीय लोग प्रशासन के साथ बैठकर अपनी समस्याओं को बता पाएँ और उनका निवारण कर पाएँ, लेकिन हमीरपुर शहर में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आइए अब कुछ और लोगों से हम जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। आपका नाम? बंसीलाल।
अच्छा बंसीलाल जी, हमें बताया कि जब आप हमीरपुर शहर में रहते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, बाज़ार से जाते हैं, तो आपको किस किस तरह की परेशानी देखने को आती है? परेशानी इस तरह की देखने की आती है क्योंकि यहाँ तो बाज़ार में जितने भी शॉपें लगी हैं रोड पे, यहाँ आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है पब्लिक को, क्योंकि बाज़ार के ऊपर इतना इनक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, और धरातल पर सरकार जो कुछ नहीं कर रहा, ना ही प्रशासन कुछ कर रहा है। हमने लिख के भी दिया कि यहाँ इनक्रोचमेंट हुई है और मैंने ई समाधान में एप्लीकेशन भी डाली इनक्रोचमेंट के बारे में, पर लेकिन उसके बारे में इन्होंने जो मेरी एप्लीकेशन थी पटवारी को समट के, पर पटवारी ने पूछा कि किसके नाम से इनक्रोचमेंट की है, किसने की है। मैंने उनको कहा कि मैंने जो एप्लीकेशन डाली है वो मैंने सबमिट किया और उसके ऊपर सब कुछ डिटेल में लिखा है, आप वहाँ कन्फर्म करिए जो मैंने, और बुद्ध फोटो लगाई है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। यहाँ हर कोई जो अपनी तानाशाही रवैया अपना रहा है और धरातल पर कुछ नहीं कर रहा, ना ही प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा, ना ही निगम प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। और जैसे मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर फुटपाथ बनना चाहिए, यानी ऊपर नदौन चौक से लेके नीचे भोटा चौक तक, ताकि जो पब्लिक है फुटपाथ के ऊपर चले, कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि पब्लिक जो है फुटपाथ ना होने के कारण सड़कों के ऊपर चल रही है तो गाड़ियाँ जो कोई ओवर स्पीड आ रही है, कोई बाइक वाले आ रहे हैं, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, तो उसके ऊपर भी प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और के कार्रवाई करनी चाहिए। इसका मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे हमीरपुर संसद क्षेत्र से हमारे अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर सांसद भी हैं, तो उनकी तरफ से लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई योजना बनाई गई है इस तरह की परेशानियों को? योजनाएं तो योजनाएं बनाते हैं, पर लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है जी। योजनाएं तो कई बना रहे हैं, पेपरों में आ रहा है, शिलान्यास भी हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जो कार्रवाई हो, पाँच साल के लिए कहते हैं कि पाँच साल में जो योजना बनाई है हमने, पाँच साल के लिए बनाई है, वो पाँच साल में वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसको लग जाते हैं दस दस साल। आप कहना चाहते हैं कि बस आश्वासन मिले हैं? आश्वासन ही है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे हमारे कर्मचारियों का HRT से संबंध है, हमारा ऐसा है कि हमारा पेंशन का स्थायी मुद्दा है, इनकी पेंशन जो भी अगर सख्त लें या ना लें, सब एक बार सख्त ले ली इन्होंने, इनकी पेंशन जो 80,000 और 85,000, और जो कर्मचारी है जिसने 30-35 साल सेवाएं दी, उसको पेंशन के लाले हैं आज तक जी, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। और 2003 के बाद तो वैसे ही सरकार ने और सेंटर सरकार ने जो पेंशन जो बंद कर दी है, जबकि जो 35-35 साल नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे का सहारा है उनका। लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये लोग ये एक बार सख्त लेते हैं, सरकार रहे या ना रहे, सख्त लेने के उपरांत ही इनको पेंशन लागू हो जाती है, और इनकी सैलरी जो वो 2.5-2.5 लाख, 3-3 लाख, और इनको जो इसका टेलीफोन का जो रेंट मिलता है, इनको 15,000 रुपया रेंट जो हर महीने का मिल रहा है MLO को, जबकि यहाँ पर आजकल फ्री भी ये हमारी सुविधा फ्री है, यानी 399 रुपये की CM डाली जाए जियो की, वो 3 महीने डट के यूज करो, और 1 महीने का 15,000 ले रहे हैं, 3 महीने का बनता है 45,000, तो इसमें अगर 45,000 में तो कितने कर्मचारी रखे जाएंगे, या एक युवा को रोजगार मिल जाएगा, युवा को रोजगार मिल जाएगा, पर लेकिन ये कुछ नहीं करे, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं ये लोग, चाहे पक्ष वाले हैं चाहे विपक्ष वाले हैं। और HRTC का तो इतनी समस्या चली हुई है कि इस वाले 6,000 कर्मचारी है वो रिटायर है, और उनको पेंशन के ला लिया, आश्वासन दिए इन्होंने कि आपकी पेंशन का हमने स्थायी समाधान कर रहे हैं, पर लेकिन धरातल पर कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ आश्वासन ही देते हैं लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम पेंशनों का पर स्थायी समाधान इन्होंने नहीं किया, तो आने वाले इलेक्शन में इसमें हमारे जो कर्मचारी वर्ग है HRTC का, रिटायरी कर्मचारी, वो पूरे जोर शोर से इनका विरोध करेगा। अगर हमारा स्थायी समाधान करेंगे ये लोग, तो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर भी चलेंगे हम लोग। जैसे कि हमने जाना कि ई संविधान में एप्लीकेशन देने के बाद भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि ई संविधान में अपनी समस्या दिखाने के बाद भी हमारी समस्या का निपटारा नहीं होगा? इससे प्रशासन और यहाँ के नेताओं पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जिस तरह से आक्रोश यहाँ के लोगों में नेता और प्रशासन की तरफ फैला है, इसे साफ दिखाई देता है कि हमीरपुर शहर में अव्यवस्था ने किस तरह से अपने पैर जमाए हुए हैं। अभी आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि हमीरपुर शहर में और क्या क्या समस्याएं उन्हें देखने को मिलती है। लखनपाल जी, अच्छा लखनपाल जी, आप हमें बताइए, जब आप हमीरपुर शहर में चलते हैं या घूमते हैं, आपको किस किस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं? सबसे ज़्यादा तो ये जो व्हीकल चलते हैं जी, वो वाइट और दो लाइनें वाइट तो लगी हुई हैं, पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं होती है, एक्सट्रीम में वाइट लाइन लगी होती है। सबसे ज़्यादा तो ये है जो पैदल चलने वाले हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पर फुटपाथ नहीं है यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए, और बाकी पार्किंग की समस्या किस तरह से है यहाँ पर? वो भी काफ़ी है, वो तो बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पार्किंग समस्या। अच्छा रास्ते में अगर ये पूछूं कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है और यहाँ की सड़कों की हालत देखी जाए तो? उसका सबसे बड़ी बात तो है, जो भी दुकानदार है कोई चीज़ बेचते हैं तो उसका
जो बाहर का कवर है वो बाहर फेंक देते हैं, नाली में फेंक दे, नाली में, उनको इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अपना कचरा जो है अपने अंदर ही रखें, दुकानों के अंदर रखें, बाहर ना फेंकें या डस्टबिन में डालें कहीं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी सफाई रह सकती है अगर लोग खुद मेंटेन रखें, दुकानदार मेंटेन रखें, लोग मेंटेन, लोग अगर करेंगे भी, दुकानदार ही बहुत सारे अपने जो कवर होते हैं बाहर के बेचेंगे सामान को, बाहर नाली में फेंक देंगे, वो सबसे बड़ी समस्या है। और वो बहुत आसानी से सुधर सकती है अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनको इंस्ट्रक्शन दे कि आपकी दुकान के सामने बिल्कुल नहीं कूड़ा होना चाहिए। मैं भी प्रिंसिपल रहा हूँ पॉलिटेक्निक में, बच्चे बिल्कुल कागज़ का टुकड़ा, बस का टिकट अपनी जेब में रखते थे, वो कभी कमरे में नहीं डालते थे, और खाने की चॉकलेट है कुछ है वो भी अपनी जेब में रखते थे या डस्टबिन में डालते थे। यहाँ ये आदत नहीं है, जब तक ये आदत नहीं सुधरती तब तक लोग जब तक नहीं इस चीज़ को रखते हैं तो मुश्किल है सफाई रखना यहाँ की। तो यहाँ पर लखनपाल जी का सुझाव यहाँ के लोगों के लिए भी रहेगा और प्रशासन के लिए भी रहेगा कि जिस तरह से यहाँ का दुकानदार सारे के सारे रैपर उठाकर नालियों में फेंक देते हैं वैसा ना करें, और प्रशासन को भी कड़े नियम बनाने चाहिए कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था एक बार नियमित तरीके से बनी रहे। तो ये था मूल्यांकन की पहली कड़ी जिसमें हमने जाना कि हमीरपुर शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सड़कों की व्यवस्था बेकार है, नालियों में पानी की जगह गंदगी भरी पड़ी है, पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सड़कों पर अतिक्रमण है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन सोया पड़ा है, नेता किसी की कुछ नहीं सुन रहा और लोगों की समस्याएं वैसे की वैसे ही बनी हुई हैं। ये था हमीरपुर जिला का, हमीरपुर शहर जो कि हमीरपुर जिला का केंद्र है। हमीरपुर जिला में पाँच तहसीलें हैं और इन पाँच तहसीलों में 1780 गांव हैं। हर एक गांव में क्या हालत होगी, क्या व्यवस्था होगी, इसका अंदाज़ा हम हमीरपुर शहर की व्यवस्था से ही जान सकते हैं। आगे भी अनेक कड़ियों में हम अलग अलग समस्याओं से आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए एच टुडे मूल्यांकन। कैमरा मैन अश्विन कुमार के साथ शिवम, एच टुडे।